आज एक एलजी का सिंगल डोर फ्रिज देखने के लिए आए हुए थे। कस्टमर फ्रिज को कबाड़ी की तरह बना के रखा हुआ है, कह रहा है कि भैया हर 3 महीने 4 महीने पे जो है ना गैस भरवाना पड़ता है। हम 3 बार गैस भरवा चुके हैं लेकिन फ्रिज सही नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि 3 महीने में गैस खत्म हो जाता है कस्टमर का। तो आज उस समस्या का भी समाधान करेंगे और गैस की पूरी प्रक्रिया आपको हम बताएंगे, गैस कैसे डाला जाता है और कैसे कैसे वेल्डिंग होता है, लोहा कॉपर को कैसे वेल्डिंग करते हैं, कॉपर को कैसे वेल्डिंग करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया आपको हम बताएंगे। और इस फ्रिज में जो समस्या हो रही है कि हर 3 महीने में गैस निकलता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ड्रायर के पास कैपिलरी होता है, कैपिलरी को काट लेंगे। काटने के बाद उसमें एक चार्जिंग बल्ब को ऐड करेंगे, मतलब वेल्डिंग करेंगे। देखिए वेल्डिंग करने के लिए आपको एक एलपीजी चाहिए, एलपीजी के साथ में एक टॉर्च और एक गार्ड चाहिए। ठीक है, गार्ड लगा देने पे आपका वेल्डिंग का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब लीकेज का चांसेस बहुत कम रहता है गार्ड लगाने पे। गार्ड नहीं लगाएगा तो लीकेज के चांसेस बने हुए रहते हैं, इसलिए गार्ड जरूर लगा लीजिएगा अगर वेल्डिंग करने के इच्छुक हैं तो। तो हम इसको वेल्डिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे वेल्डिंग आपका हो चुका है। वेल्डिंग होने के बाद जो है हम इसका जो सेक्शन पाइप है उसको भी निकाल लेंगे। देखिए सेक्शन पाइप हम लोग निकाल लिए हैं और ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर से हम लोग फ्लशिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम फ्लशिंग करने के लिए एक आपका नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर लेके आए हैं और कैपिलरी में जो हम चार्जिंग पिन जोड़े थे, चार्जिंग बल्ब को जोड़े थे, वहां पे एक पाइप लगा दिए हैं। अब हम नाइट्रोजन के बल्ब को खोलेंगे और खोलने के बाद देखिएगा इस पाइप से आपका कितने मात्रा में तेल निकलता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को खोल दिए हैं और देखते हैं कि इस मशीन से कितना तेल निकल रहा है, जिसके कारण से मशीन में बार बार दिक्कत आ रहा। देखिए कितना अधिक मात्रा में तेल निकल रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तेल बहुत ज्यादा इसमें से निकलने वाला है, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम है वह है चोकिंग का। फ्रिज का जो कूलिंग चेम्बर है पूरी तरीके से जाम हो चुका है, जिसके कारण से बार बार कस्टमर को समस्या हो रही है फ्रिज में कूलिंग की। और जो इंजीनियर आ रहा है सिर्फ गैस डाल के चला जा रहा है, उसको फ्लशिंग नहीं कर रहा है इस तरह से प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर फ्लशिंग नहीं करेगा तो हर 1-2 महीने में जो है आपको आना ही पड़ेगा गैस को डालने के लिए, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। तो इसको हम लोग पूरी अच्छे तरीके से फ्लशिंग करेंगे, मतलब लगभग आधा घंटा तक उसको हम लोग फ्लशिंग करेंगे। पूरा तेल निकालना है उसका फ्रिज का, तब तेल नहीं निकलेगा तो कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा नए की तरह। तो नए की तरह कूलिंग के लिए आपको 100% फ्लशिंग करके तेल को निकालना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया जो है आधा घंटा चलेगा। देखिए तेल लगभग इसमें खत्म हो चुका है, मतलब तेल अब नाम मात्र का है, हल्का फुल्का मतलब आ रहा है तेल इसमें से। ठीक है, तो कुछ देर तक और इसको हम फ्लशिंग करेंगे और फ्लशिंग करने के बाद गैस चार्जिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे ड्रायर को जोड़ने के लिए एक कॉपर का पाइप ले लिए थोड़ा सा टुकड़ा और लोहे के साथ वेल्डिंग करेंगे। तो लोहे के साथ वेल्डिंग करने के लिए आपको सुहागे की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग फ्लेक्स बोलते हैं अपने अपने भाषा में। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको सुहागा बोलते हैं। तो वेल्डिंग रड को गर्म करेंगे, गर्म करके टेढ़ा कर लेंगे ताकि वेल्डिंग करने में आसानी होगा। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा गर्म करके सुहागा में लगाएंगे और सुहागा में लगाने के बाद जहाँ पे जॉइंट करना है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। देखिए सुहागा है, जहाँ पे लगाना है वहाँ पे अच्छे तरीके से हम मिला देंगे सुहागा को। ठीक है, ताकि वेल्डिंग हो पाए, नहीं तो लोहा और कॉपर को वेल्डिंग आप नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट खाली वेल्डिंग रड से, तो वहाँ पे सुहागा लगाना पड़ता है। सुहागा को अच्छे तरीके से लगा लेना है चारों साइड में, पाइप के चारों साइड में सुहागा को अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि लीकेज ना हो। अगर अच्छी तरह से नहीं लगेगा तो फिर वह वहाँ से लीकेज हो जाएगा और गैस आपका निकल जाएगा, फिर सारा मेहनत जो है आपका बेकार हो जाएगा। यहाँ पे वेल्डिंग हो चुका है, अब इसमें हम लोग ड्रायर को जोड़ेंगे। ठीक है, जो आम भाषा में लोग फिल्टर भी कहते हैं, ड्रायर को जोड़ेंगे। और देखिए आपका यहाँ पे कॉपर है दोनों पाइप, ड्रायर भी कॉपर का है, जो पाइप जोड़े थे वहाँ पे छोटा सा वो भी कॉपर का है, तो वहाँ पे कोई भी तरह केमिकल सुहागा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही वेल्डिंग हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद जो कैपिलरी है जो ड्रायर से जुड़ता है अब उसको हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को कम रखना पड़ेगा, ज़्यादा फ्लेम कीजिएगा तो कभी कभी कैपिलरी भी गल जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम एकदम कम में आपको वेल्डिंग करना है ताकि अच्छे तरह से वेल्डिंग हो, कैपिलरी गले नहीं। कम फ्लेम में अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका कैपिलरी जो है वेल्डिंग हो चुका है ड्रायर के साथ में। अब जो है इसका
सेक्शन पाइप से हम लोग जो है एयर को चेक करेंगे, एयर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्शन पाइप से एयर पास चेक करना जरूरी है। कभी कभी कैपिलरी का जाम हो जाता है तो एयर पास नहीं हो पाता है और हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि दिक्कत कहाँ से है, तो फिर हम लोग गैस डालेंगे, फिर गैस निकालना पड़ेगा, फिर से वेल्डिंग करना पड़ेगा। इसलिए पहले चेक कर लीजिए, अगर एयर निकल रहा हो, एयर पास हो रहा है, तो फिर आप सेक्शन पाइप को वेल्डिंग करके जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन पाइप को जोड़ा जा रहा है वेल्डिंग करके, यहाँ भी दोनों कॉपर है, यहाँ भी आपका लोहा नहीं है, तो इसीलिए कोई केमिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो चुका है। अब हम इसमें हम लोग गैस डालने की प्रक्रिया को करेंगे और गैस डालने के लिए हम लोग यहाँ पे सेल्फ वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम मशीन से वैक्यूम नहीं करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे। सिंगल डोर फ्रिज है, सेल्फ वैक्यूम करने पे भी अच्छा से काम करता है, ठीक है। तो इस सबसे पहले कंप्रेसर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर को स्टार्ट होने में टाइम लगता है, फिर जहां पे हम पिन लगा रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पे आपको एयर पास चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और साइड में जो सेटअप बल्ब है, चार्जिंग पिन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हाथ देखिए, चार्जिंग पिन जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, वहां पे सेटअप बल्ब लगा हुआ है। बल्ब को लगा के बल्ब को बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद यहाँ ड्रायर के पास से एयर को निकालना है, ठीक है। एयर जब पूरी तरीके से निकल जाएगा, देखिएगा कि ड्रायर के पास से फिर एयर निकलना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसमें गैस डालना है। गैस मात्र इसमें तीन पाइप डालना है, एलजी का सिंगल डोर फ्रिज में तीन पाइप से ज्यादा गैस नहीं डालना है। तो क्या करेंगे, पाइप को कनेक्ट कर देंगे, वहां सेटअप बल्ब जो है बंद रहेगा, जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है कुछ अभी, गैस खोल देंगे पाइप में। पाइप में गैस जाने में कम से कम 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइप जब भर जाएगा तो फिर सिलेंडर से आपको गैस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वहां चाबी खोलिएगा, सेटअप बल्ब का चाबी खोलिएगा, ठीक है। जब गैस अंदर घुस जाएगा कंप्रेसर के अंदर में, उसके बाद फिर वहां चाबी बंद कीजिएगा, फिर सिलेंडर से जो है गैस को खोलिएगा, फिर 2 मिनट छोड़ दीजिएगा, 2 मिनट में गैस पाइप में भर जाएगा, उसके बाद फिर चाबी खोलिएगा। उसी तरह से करके जो है तीन पाइप आपको गैस से इस फ्रिज में डाल देना है। डालने के बाद देखिएगा आपका कंडेंसर हीट होने लगेगा, कंडेंसर हीट होने लगेगा तो समझ लीजिए कि कूलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो है ड्रायर भी लास्ट में हीट हो जाएगा, मतलब 10-15 मिनट के बाद ड्रायर में भी हीटिंग आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका गैस प्रॉपर जा चुका है। अगर ज्यादा रहेगा तो आपका ड्रायर हीट नहीं करेगा, अगर ज्यादा कम भी रहेगा तो ड्रायर हीट नहीं करेगा। गैस ज्यादा भी चला गया तो भी ड्रायर आपका हीट नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ ड्रायर के पास जो पिन लगा है वहां से कुछ गैस को उड़ा देना है। उड़ाने के बाद कूलिंग चैम्बर देखिएगा ठंडा होने लगा है और हल्का हल्का आइस भी चारों तरफ जमने लगा है। 10-15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अगला दिन जब हम कस्टमर को फोन किए, बोले भैया जरा वीडियो बना के भेजिए कि फ्रिज आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कस्टमर सबसे पहले बोला कि भैया फ्रिज के जो है चारों साइड जो है आइस जम रहा है, चारों साइड मतलब कूलिंग चैम्बर में जो है आगे पीछे चारों साइड आइस जम रहा है, एक भी ऐसा जगह नहीं है, पाइप नहीं है जो बचा हुआ है, प्लस आइस भी आपका ठोस जम रहा है। तो मतलब फ्रिज जो है पहले से अच्छा है, पहले आपका आधा पाइप में जमता था, अभी पूरे पाइप में जम रहा है। तो कस्टमर बहुत ही खुश हुआ फ्रिज को देखकर। अगर